हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। द एवीजेड अकेडमी की तरफ से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम। प्यारे बच्चों, अगर आप एनएस ओपन बोर्ड के 10वीं या 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं अप्रैल सन 2022 के अंदर, या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं अक्टूबर सन 2022 के अंदर 10वीं का या फिर 12वीं का, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। प्यारे बच्चों, मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को प्रमोट करवा कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि इस बार एनएएस ओपन बोर्ड ने 4 बड़ी गलतियां कर दी थी, जिसके कारण जो है एनएएस ओपन बोर्ड को 10वीं तथा 12वीं क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर दे रहे हैं उनको प्रमोट करना ही था। और मैंने जो है आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर वो बच्चों को प्रमोट नहीं करते तो ये बात मैं सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा या फिर इस बात को आगे तक ज़रूर बढ़ाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उसी कड़ी के अंदर मैंने ये पहला स्टेप ले लिया है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने आज एनएएस ओपन बोर्ड को एक लेटर लिखकर भेजा है। इस लेटर में क्या है ये मैं आपको अभी पढ़कर बताऊंगा, और साथ ही साथ मैंने जो है इस लेटर को एनएएस ओपन बोर्ड के ट्विटर हैंडल पर टैग भी कर दिया है, ताकि जो है ये लेटर उन तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। हो सकता है वीडियो वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लग जाए, इसलिए मैंने उनको ट्वीट भी कर दिया है, और जो है उनको रिटर्न में ये लेटर मैंने भेज भी दिया है अपनी एकेडमी के सभी टीचर से सिग्नेचर करवाकर। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अब खुश हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो आप वीडियो को पहले लाइक भी कर दें और उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका आप भला करना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस लेटर में क्या लिखा है। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, और यहाँ पर इनका एड्रेस है सेक्टर 62 का, जहाँ पर इनका हेड ऑफिस है नोएडा के अंदर, जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, और ये उनका पिन कोड। सब्जेक्ट है बच्चों को प्रमोटेड पास करवाने हेतु पत्र, जिनका पेपर हो रहा है या जिनका पेपर होने वाला है दोनों के लिए मैंने ये लेटर लिख दिया है, एक तीर से दो निशाने। आदरणीय सर या मैडम, सविनय निवेदन यह है कि इस वर्ष राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा एग्ज़ाम जो सन 2022 में करवाए जा रहे हैं, जो भी उनका एग्ज़ाम सेंटर डाला गया है, जो भी उनका एग्ज़ाम सेंटर चयनित किया गया है, उन एग्ज़ाम सेंटरों पर बच्चों को बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से मैंने कुछ 4 मोटी बातें आप लोगों को बताने की कोशिश की है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस करनी पड़ रही है वो ये कि बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर आपने बहुत बहुत दूर डाल दिया है, और इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और आप उन वीडियो को चेक भी कर सकते हैं। मैंने जितने भी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर आपको ट्वीट कर दिया है, आप उसे देख लें, आपने देखा भी होगा, उस पर प्लीज़ आप जो है ज़रूर एक्शन लीजिए। आपकी गलती है कि भाई आपने एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर क्यों डाल दिया है, बच्चों को बहुत 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 दिक्कत हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम जो है बच्चों का जो पेपर है बहुत देर से जो है वो लिया जा रहा है, बहुत देर से दिया जा रहा है, और इसी कारण से जो है उनका पेपर जो है वो ठीक तरीके से वो अटैम्प्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक तरीके से नहीं दे पा रहे, उनका पेपर छूट रहा है, उनके क्वेश्चंस छूट जाते हैं, बच्चे बहुत मुश्किल से पास हो पाएंगे। तो भाई, पहला तो आपने सेंटर दूर डाल दिया है, उसके बाद पेपर बहुत देर से दे रहे हो, और हद तो ये हो गई है कि पेपर करवाने के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने यहाँ पर पढ़ा है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो बच्चों ने मुझे जो है 2-4 बच्चों ने मुझे उसका छोटा सा वीडियो भी मुझे क्लिप भेजी है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और ये चीज़ जो है बहुत बहुत बुरी चीज़ है, बच्चों से पैसे मांगना, बच्चों से पेपर के पैसे मांगना बहुत ही बुरा सलूक है उनके साथ। और चौथी बात जो ये है वो ये कि टीचर का जो बर्ताव है बच्चों के प्रति द्वेषपूर्ण है, दुश्मन वाला है। भाई, जो बच्चे पैसे दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो 4,000-5,000 खर्च कर सकते हैं एक पेपर के लिए, और जो नहीं खर्च कर पा रहे उनको वो अपना दुश्मन समझते हैं, उनके पेपर को बाद में काट दिया जाता है, उनका आंसर सही भी होता है तो भी। भाई, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे हैं, मैं आपको इसका प्रूफ भी दे दूँगा। तो एनएएस ओपन बोर्ड द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए जो एनएएस ओपन बोर्ड द्वारा जो गलती की गई है, अब वो देख लेते हैं। ये तो उनके एग्ज़ाम सेंटर द्वारा जो गलती की गई थी वो थी, एनएएस ओपन बोर्ड ने खुद ने क्या करा है,
और यहाँ तक कि एनएस ओपन बोर्ड द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध नहीं करवाया गया था, जिससे कि बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में और एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ही असुविधाओं का सामना करना पड़ा, बहुत दिक्कत हुई। बच्चों ने गूगल से, यूट्यूब से, इधर उधर से जो भी मिला वहाँ से बच्चों ने तैयारी की, लेकिन एनआईएस ओपन बोर्ड ने 90% स्टूडेंट्स को उनको जो किताबें मिलनी चाहिए, उनको जो स्टडी मटेरियल मिलना चाहिए था वो उनको प्रोवाइड नहीं करवाया। केवल 10% स्टूडेंट्स को ही बुक मिल पाई थी। तो भाई बच्चे तैयारी कैसे करेंगे? तो आपसे निवेदन है, अंततः आपसे निवेदन है कि आप बच्चों की इन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करें, थोड़ा सा फोकस करें, तथा पिछले साल की ही तरह इस बार भी आप बच्चों को प्रमोट कर दें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, और यहाँ तक कि अब जो है कोरोना का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण आने वाली परीक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खतरा हो सकता है। तो आप जो है अक्टूबर सन 2022 में जो बच्चे पेपर देंगे उनके भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दें, हो सकता हो तो, अदरवाइज़ आप अप्रैल वाले जो एग्ज़ाम है वो तो कम से कम कैंसिल ज़रूर कर दें। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए एक छोटा सा लेटर था, ठीक है, और इसे मैंने एनआईएस ओपन बोर्ड को भेज दिया है, रिटर्न में ट्वीट कर दिया है आपके लिए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपको लगता है कि ये चारों बातें आपके साथ घटी हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मेरे पास प्रूफ रहे कि भाई एक्चुअल में आपके साथ सच में ये घटना घट रही है, अदरवाइज एनआईएस ओपन बोर्ड वाले कोई भी सीरियस नहीं लेगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है हमारी बात बहुत ज़ोर शोर तरीके से एनआईएस ओपन बोर्ड तक पहुँच जाए। और मैं जानता हूँ बाकी के जो फेक यूट्यूबर हैं वो भी हमारी तरह नकल करेंगे, ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो भी आप लोगों के साथ हैं। तो आप असली और नकली में फ़र्क करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, बेईमानों से दूर रहें। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। मेरी बहुत सारी जो है शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।